साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। बिजली संकट दूर करने को रेलवे ने संभाला मोर्चा। किल्लत वाले क्षेत्रों में जल्द कोयला पहुंचाने के लिए रवाना होंगी कई यात्री ट्रेनें। भीषण गर्मी ने छुड़ाया पसीना, यूपी में पारा 45 के पार। दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्प पर स्टार्टअप शुरू करने वालों की दिल्ली सरकार करेगी मदद। तेलंगाना में यादाद्री भोंगीर जिले में दर्दनाक हादसा, पुरानी इमारत की छत ढही, 4 लोगों की मौत। राज्यपाल ने जताया। यूपी में धार्मिक स्थलों से हटाए गए 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर, 58,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज की गई कम। यूपी में बेपटरी हुई बिजली आपूर्ति व्यवस्था, शेड्यूल लड़खड़ाया, गांवों में 10 घंटे भी नहीं हो रही सप्लाई। बांदा की युवती से छतरपुर में दुष्कर्म की कोशिश, विरोध करने पर चलती ट्रेन से फेंका, स्थिति काफी गंभीर। उपनिरीक्षक लिपिक संवर्ग भर्ती, 4,287 और अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। यूपी में इनकम टैक्स पेयर भी ले रहे पीएम किसान सम्मान निधि, 3 लाख से अधिक अपात्रों से होगी वसूली। समान नागरिक संहिता लागू करने से पहले धर्म गुरुओं से करे चर्चा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम को लिखा पत्र। यूक्रेन के कीव ओब्लास्ट में मिली 900 लोगों की सामूहिक कब्र, रूस पर 5 लाख यूक्रेनी लोगों को जबरदस्ती ले जाने का आरोप। धमाके से दहला अफगानिस्तान, जुमे की नमाज के बाद काबुल की एक मस्जिद में विस्फोट, 50 से ज्यादा लोगों की मौत, 78 लोग हुए घायल। एलन मस्क ट्विटर में नौकरियों पर चलाएंगे कैची, बैंकरों के साथ मीटिंग में कर्मचारियों की दक्षता को लेकर की चर्चा। अंतरिम सरकार में महिंदा को प्रधानमंत्री नहीं बनाने पर राजी हुए गोटाबाया, नई सरकार नामित करने के लिए राष्ट्रीय परिषद नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति। काली कमाई में फंसी इमरान खान की पत्नी की दोस्त फरहा खान, एनएबी के निर्देशक ने दिए जांच के आदेश। ब्रायन लारा बोले, राशिद खान की इकोनॉमी अच्छी लेकिन विकेट निकालने की क्षमता वॉशिंगटन सुंदर की बेहतर। केएल राहुल ने मारी बाजी, मयंक के पंजाब को मिली 20 रन से हार। चेतेश्वर पुजारा ने लगातार तीसरे मैच में जड़ा शतक, इंग्लैंड में दिखा रहे हैं दम। खराब फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा और ईशान किशन को मिला बैटिंग कोच रॉबिन सिंह का साथ, कहा आगे के मैचों में अच्छा करेंगे। टिम साउथी ने कहा खिलाड़ियों को टीम से बाहर करना और बदलाव करना आदर्श नहीं है। राम सेतु के नए पोस्ट में लोगों ने पकड़ी ऐसी गलती कि अब जमकर ट्रोल हो रहे हैं अक्षय कुमार। अजय देवगन की रनवे 34 ने की धीमी शुरुआत, पहले दिन किया सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर आउट, एक्ट्रेस का दिखा दमदार एक्शन। अनीस बज्मी बनाएंगे नो एंट्री फिल्म का सीक्वल,
होगी शूटिंग। शाबाश मिट्ठू की रिलीज डेट आई सामने, 15 जुलाई को सिनेमा घरों में देगी दस्तक। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।